पठानों की फैमिली आई हुई थी बॉयज एंड गर्ल्स, अब मुझे पछतो नहीं आती तो इधर से मैं कह यार ये हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था समझ ही नहीं आ रही। अब मैंने बाथरूम जाना हो तो मैं पछतो में कैसे बोलूंगा, अब मैं पठानों के बीच में फंस जाऊँ पेशावर जाके और उनसे मैंने बाथरूम की इंस्ट्रक्शन पूछनी हो। बॉयज एंड गर्ल्स सुबह से धुएंदार बारिश हो ही जा रही है और ठंड हुई है फुल टाइम हैवी किस्म की और रुक नहीं रही यहाँ पे। तो बस आज हम जरा अपने कमरे में फुल यू नो कोजी माहौल किया हुआ है। इनफैक्ट हमारी जो बिल्ली है ना कैटो, जिसका सारा हमने सामान बाहर रखा हुआ था, वो हमसे शिकायत करी जा रही थी बार बार। ये देखो बेचारी पड़ी है, तो देखो कैसे हाथ रख के पड़ी हुई, बड़े दुख में थी आज ये। और ये हैरी पॉटर हम देख रहे थे बैठे हुए, आज चल मार रहे थे फुल, बड़ा ना कोजी सा माहौल हुआ हुआ। लेकिन वो बेचारी कैटो बार बार आके कंप्लेन कर रही थी, हमें कह रही थी उमियाओ जैसे हम आगे इसकी बारिश रोक। एनीवेज अभी मैंने उसे खाना खाया, फिजा ने वो नूडल्स बनाए थे और थोड़ा सा चिकन बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों जिस तरह औरतों को क्रेविंग्स नहीं होती अक्सर, उसी तरह मुझे भी हो रही है कलेजी खाने की। कलेजी पोटा नहीं, कलेजी खाने की, लिवर खाने की, चिकन लैम का भी मैं लेके आया था। तो मैंने फिजा को कहा मुझे बना दे, फिजा की थी मुझे तो नहीं आता बनाना, करी जा रही बार बार इस पे। तो अब हम ये खुद ही बना रहे हैं, इसको पकड़ के देखो ये है कलेजी, कलेजी को ये हमने डाल दिया उसके ऊपर, बाद में जो इस पे नमक और काली मिर्च है ना वो हम ये डाल देंगे पकते हुए से। इतना मुश्किल काम ही नहीं है जितना बनाया हुआ है। ये देखो ये इसको छनकाया हल्का सा और ये इसको डाल दिया। पकौड़े हमने बारिश में सुना होगा, फ्रेंच फ्राइज, चाय, लेकिन हमने कभी बारिश में कलेजी नहीं सुनी होगी। मैं रात से ना मेरे दिल में आ रहा था कि यार मैंने वो चिकन हार्ट खाने कलेजी खानी। आप लोग कहोगे वाकई मूसा भाई थोड़े से ज्यादा एनिमलिस्टिक हैं, मेरे अंदर का पठान अक्सर जाग जाता है गोश्त खोरी में ना। गंदा क्यों है, तो अच्छा ये देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट करिए, बाकी सारा फेंक देंगे कूड़े में। कितना टेस्टी है ये। इसके ऊपर फिर हम डालेंगे काली मिर्च और नमक एंड वाला ये बन जाएगा। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी पकता है, ज्यादा देर नहीं लगती, कलेजी काफी वो लाइट होती है। यार पोटे नहीं मिले यार मुझे, पोटे भी होते हैं यहाँ पे, आई लव पोटे। ये देखो ये काली मिर्च डालेंगे। मुबशर सिद्दीक ने तो बाल लगवा लिए यार, वो बात नहीं रही उसमें जो पहले होती थी, सारा पानी इसके निकला है खुद ही खुद। कैसा लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं अच्छा लग रहा खाने तुमने? नहीं यू नो ये खाने के लिए तो बनाई गई है, वो दुकान में क्यों बेच रहे हैं? नहीं है जो भी हो, लोग तो वहाँ पे यू नो टका टक टेस्टीज भी खा रहे होते हैं मजे से। मैं भी खाया वैसे, बड़े बड़े खाए हैं। एक वीडियो देखी थी इसमें औरतें भी खा रही थी। हाँ खा रही होती है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। अब टेस्ट करते हैं कैसा है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ। बहुत मजे का यार, एक्चुअली बड़ा मजे का, वो जिसमें से मजे का खट्टा वाला फ्लेवर आता है ना, आई लव कलेजी। ओए होए 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 होए, किसी के देख के राल नहीं टपक रही होगी, लेकिन कोई मसला नहीं। परफेक्ट प्रोटीन है आपके लिए जिम का खाना है कसम से, इसमें इतना प्रोटीन है और इतने विटामिन्स इसके अंदर। उस पे जाओ गोश्त की दुकान पे, उसे कलेजी पोटे बना के पकड़ के ले आओ, अगर चिकन महंगा लग रहा है ठीक है, लेके आओ घर में तवे पे फेंको हल्का सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करके, नमक काली मिर्च डालो, आपका जिम का मील बन गया ये रात का। वो मजे मजे की किडनीज खाने के बाद, अब किडनीज नहीं सॉरी फेफड़े खाने के बाद, अब मेरा दिल करे कि मैं इस ठंडे और बारिश वाले मौसम में मजे की हम जाके चाय पिए। तो जब हमारे चाय का मन होता है या दिल होता है तो हम जाते हैं अरबा पे। अरबा यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उनके पास सेटिंग बहुत अच्छी है और उनका मतलब माहौल बहुत अच्छा होता है, तो हमें जाके थोड़ा मजा आता है। तबीयत आज ठीक नहीं है बिल्कुल भी, गला मेरा दोबारा खराब हो गया, थिंक शिकागो से मैं आ रहा था ना, तो मुझे ना जहाज में हमेशा कोई ना कोई बीमारी लग जाती। मुझे वली कह रहा था तू सीटें चाट के आता है, मैं कह नहीं यार पता नहीं क्या सीन है, अगली दफा मैं प्लेन में ट्रेवल करूंगा ना ग्लव्स और मास्क पहन के जाना, सैनिटाइजर लेके। बहुत ही गंदे होते हैं यार ये गोरे, अपनी धोते भी नहीं है पीछे से, वही वाले हाथ मल मल के तुम्हें लगाते हैं। एनीवेज आई वी विल सी यू गाइस एट अरवा। हम आ गए हैं अरवा पे जैसे आप देख सकते हो, लेकिन फिजा की नजर किसी और रेस्टोरेंट के मेन्यू पर है, कह रहे वीकेंड ओनली इनके पास है, हलवा पूरी भी है इनके पास। ये टेक्सास किंग क्या नाम है इसका, लेकिन फ्राइज खाने कह दे तो उन्हें, पहले चाय का तो टेस्ट टेस्ट कर लें, चलो करो करो, फिर तुम्हारे फ्राइज भी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। फिजा चाय आज बड़ी मजे की है, मैं फिजा के फ्रेंच फ्राइज लेने जा रहा हूँ। ना देखो सेटिंग अरेंजमेंट बाहर बहुत अच्छी है, अब ये सारी सेटिंग अरेंजमेंट इनकी नहीं है, बाकी ये रेस्टोरेंट्स की ना पूरी चेन बनी हुई है यहाँ पे। पाकिस्तान में होती थी ना स्टंगी काफी, लेकिन अमेरिका में नहीं आपको नजर आती, अब जाके यहाँ पे खुल रही है। शिकागो में ऐसा नहीं कुछ हमें मिल रहा था, अब ये सारी जो जगह ना इधर खुल रही है, नहीं बाहर वाली है जगह उधर, क्या वो जल्दी बंद हो जाती है ये वीकेंड्स पे ना, ये 1 बजे तक खुला होता ना। बॉयज एंड गर्ल्स मैंने उसे कहा था स्मॉल ले, वो पूरी देखो फिजा से भी बड़ी ट्रे उठा के ले आया, कहते हैं हमारे पास एक ही साइज है। टेस्ट टेस्ट करें इसे थोड़ी सी पैचक लगा के। Anything fried on rainy days with chai is good. अच्छे हैं, थोड़े देसी टच है।
इनके पास कीमे वाला नान भी है बाय द वे, मैं कीमे वाले नान बहुत मिस करता हूँ। द नेक्स्ट डे तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि भी मैं मामू के घर आया हूँ। अब देखो मामू जूनियर मेरे पीछे ही है, लेकिन सीन ये है कि मामू की ना मुझे आवाज आ रही है ना कोई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके घर ना बहुत बड़ी दावत थी, कोई 70-100 लोग आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। मैं भी उस दावत का पार्ट था, उस दावत से फारिग हो गए, लेकिन अब मामू भी गायब हो गए दावत के बाद ना। लेकिन ये कुछ फूड आइटम्स है जो दावत में से बची हुए हैं। खैर ये तो केक्स वगैरह है, ठीक है। वो देखो पतीले पतीले पूरे खाली हुए हैं। ये सैलड पड़ी हुई है, ये था गोश्त, अभी काफी अजीब लग रहा है लेकिन ये है गोश्त, दम पुख्त वाला और आलू है, और ये कढ़ाई वाला गोश्त था, ये टिक्के कबाब थे, अंदर नान थे, काबली पुलाव था, बहुत ही मजे का हैवी किस्म का हमने खाया सारा। दावत को इसलिए नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि दूसरी फैमिली आई थी, वो चाहती नहीं कि उनको रिकॉर्ड किया जाए। एनीवेज हम ना बाहर आई थिंक मामू होंगे, उनको जाके ढूंढते हैं। तो लेट्स सी, पता नहीं किधर होंगे, क्या हुआ है, ये किसकी लाश पड़ी हुई है। पन ठीक हो तुसी, की होया, दिल दा दौरा तो नहीं पै गया, ये लानत भेज रहे हो मेरे ऊपर। मैं ना वो दिखा रहा था कि दावत हुई है ना घर में काफी हैवी, तो मेरा ख्याल से इसलिए सर्विस कर करके मेहमानों की लाश बन गया मुझे लगता है। अच्छा था हाँ, वो शीशा शीशा, तो मैं कहता मैं शीशा लेकर आऊंगा, हम शीशा करेंगे। कौन सा शीशा? हुक्का यार, वो करना है, चलना है हुक्का करना। हम एक हुक्के वाली जगह पे गए थे, उन्होंने ना पूरा रूअफ अंदर डाला हुआ था, उसके ना नीचे दूध रूअफा, और वो हम सुड़ पी जा रहे थे। बड़े चमक रहे हो सर माशाल्लाह कैमरे में, ये लोग ही दावत शावत करके ना अभी लाश से चमकने लग गए। मैं राम कर रहा हूँ, तुमने छापा मार दी, बैसी दो के बैठ गया, मैंने कहा सब वो लोग भी देखेंगे लेकिन ये क्या टुआ पड़ा हुआ है। पठानों की फैमिली आई हुई थी बॉयज एंड गर्ल्स, अब मुझे पछतो नहीं आती, तो इधर से यार ये हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था, समझ ही नहीं आ रही। बाद में ना जब सारे लोग चले गए ना, बातें कर रहे थे, कहते तो ये आपके ना मामू बता रहे थे, कोई झूले के बारे में बात कर रहा था, कोई पूल के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे अब बातों का सारा पता चल रहा है, तुम सीख लो ना भाई पछतो, अब तुम्हारा ताल्लुक। वो सिखाती नहीं, वो कहती मैंने बुराइयां करनी है पछतो में, ताल्लुक ही पठानों से है, तो मैं तो रोज वास्ते पढ़ने, तो मैं खुद भी पठान हूँ, बस पछतो वाला नहीं हूँ, मसला सारा ही है। सिखाओ ना बेगम, क्या कर रही हो, कब सिखाओगी मुझे पछतो? कभी भी नहीं, वो कह रही मैं नहीं। हाँ तो मैं पछतो सिखाऊंगा। किधर शपे खबर स्टोर माला राउरा, ताजा ताजा गुलू ना द्रेस लोर माला राउरा। पाइंट चाय पिला दो, वैसे ही मेरे दिमाग में पछतो के लेटर इधर उधर बज रहे हैं जो मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक। बॉयज एंड गर्ल्स ये फिजा देखो कैसे सवाल पूछती है बच्चों वाले, कहती है कुछ लेके जाना घर में, मैं और क्या पकड़ो, छोटा गोश्त और मैं छोड़ दूं, ये भी उठाओ उनसे पकड़ो, ठीक है ये भी पकड़ो, काबली चावल के उन्होंने तो खाने नहीं है, ठीक है टिक्के बोटी चार है ये भी रख लो। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स कैसे कलरफुल चावल है, क्या और मजे की मिठास आ रही थी इन चावलों के अंदर से, और इसमें क्या टमाटरों का लजीज मजा था, दमपोक बहुत ही हैवी किस्म का था यार, मजा आ गया था खाने का। अभी सीन ये है कि हम एक चाय की जगह पे जा रहे हैं, पास ही है कमारिया, ठीक है तो वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स हम आ गए कमारिया पे, ठीक है मामू को घसीट के, वो देखो मैं सही सोया भी नहीं और तूफान भरा था, नींद नहीं आई। किसने सोने नहीं दिया, मैं फैजी के नाम पे भी लूंगा, मुझे पता था। थैंक यू। हमने जो टी है ऑर्डर कर लिया, और आज हमारे ये बच्चे ने पे किया हमारे लिए, मामू जूनियर ने पे किया, कहते कि यार मैंने इनको मैकडोनल्ड खिला दिया गलती से, कहता है मैकडोनल्ड हमने खिलाया अगली दफा मैं करूंगा, तो सबको पिला रहा है माशाल्लाह। इसको हम ऑलरेडी आदमी बना रहे हैं, मर्द बना रहे हैं, यू नो जो कि मर्द होते हैं ना, मैनर्स लर्न कर रहे हैं, जिम्मेदारी का पता। हाँ आज का सीन ये है कि हमारा जो ना पश्तो थोड़ी सी मुझे सिखाना है, इन लोगों ने ब्लॉग का टाइटल ये, अब मैंने बाथरूम जाना हो तो मैं पश्तो में कैसे बोलूंगा, अब मैं पठानों के बीच में फंस जाऊँ पेशावर जाके, और से मैंने बाथरूम की इंस्ट्रक्शन पूछनी हो तो वो बाथरूम की जगह कहीं और ले जाएं फिर। नहीं वो तो मेरे लेके जाएंगे, कह रहे वेलकम वेलकम इसके ये साइड पे कर ले। सलाम दुआ कैसे करते हो सीधा बाथरूम को? यार इमरजेंसी कब होती है, जब आपको बाथरूम आ रहा होता है? इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, भूख लग सकती है। अच्छा मुझे भूख लग रही है तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा? फिजा को कहना कि फिजा मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिजा मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये तुमने भी इसको कहना, ये सीख कुछ ख्वाब में आगे वो भी डाल दो। Z, see, Z, Z, that means me. Achha, Z, Tasra, Tasra, Meena, Meena. देखो तुम्हें नहीं तुम्हें प्यार में ही मीना आ गई। नहीं मीना का मुझे पता है प्यार मतलब, वो कौन सा गाना था, दस्तर दे जादूगरी दीना नींदा, मीना मीना मीना, जा तासरा मीना कुम कुम मीना कुम।
तुम्हें याद आ रही मीना, कल भी याद कर रही थी जाके वहाँ पे। चोर की चोरी पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, मैंने देखो मैंने ये जान के सोचा, मैंने पता चलेगा ये बंदा भाई, तो मैं तो हंसा हूँ ना उस बात पे, इसका मतलब है कि मैं हंसता हूँ उस चीज पे। अच्छा जी, और मीना के अलावा कोई पश्तो नहीं है? क्या करूँ मैं? ये देखा बहुत कहते हुक्म चलाती है मेरे पे। आप लोग ऐसी करते हो हैं? अभी मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ी। कौन सी चोरी? खुद ही चोरी डाल के चोरी करके पॉइंट मेरे तो नाम ला देता। किस तरह किसी को जरा जरा टच मी टच मी टच मलगुता वर्गा 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 क्या इसका मतलब? गाली करना वो कह रहा है मुझे टच मी टच मी, इसका मतलब है उंगली करना। तो ये वही मतलब है, वही चीज है। नहीं उंगली नहीं करना भाई, उंगली किधर करना है, मैं कह रहा हूँ टच मी टच में और उंगली करने में फर्क होता है। हाँ चाय बना दो फिजा को, कैसे को मैं चाय का बड़ा कहता हूँ, ये पश्तो में सुन लेगी शायद, वैसे नहीं सुनती। फिजा के पास जाना है, रॉक केक लगानी है। हमने कहना है जाना, हाँ चाय ता मे अड़ दे, इसका क्या मतलब हुआ? चाय पीने को दिल कर। ओए होए होए होए, ये आंख मार के इसमें मोहब्बत आ गई ना, जाना अड़ दे। प्यार भी थोड़ा सा चाय ता में अड़ दे, अड़ दे और लाके भी दे दी चाय। आज मेरा काफी लेसन हो गया है, ये जो जरूरी बात थी ना, अबे मैं वॉशरूम का पता चल गया, प्यार इजहार करने का पता चल गया और चाय मांगने का पता चल गया, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम अभी आए हुए हैं टारगेट ग्रोसरी स्टोर पे, बच्चे भी हमारे साथ आ गए थे, एक बच्चे को कोई पोकेमॉन कार्ड चाहिए थे, एक बच्चे को PS5 का गिफ्ट कार्ड चाहिए तो साथ आ गए मेरे, तो मैंने कहा चलो तुम्हें दिला देते हैं। तो सीन अभी ये है कि आपको लेके चलते हैं टारगेट ग्रोसरी स्टोर। पतीसा लग रहा है, आ जा। अच्छा जी, ये बच्चे को हमने पोकेमॉन कार्ड दिलाने, वो उसको PS5 का चाहिए, और फिजा बच्चे तुम्हें क्या चाहिए बेटा? ग्रोसरी की चीजें। अच्छा फिजा कहती मैंने ना क्लब सैंडविच बनाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने स्टफ लेना है ग्रोसरी से। तो अभी टारगेट लेके जा रहे हैं, आपको टारगेट अंदर जाके दिखाते हैं जरा क्या सीन है। ये गोरी बच्चियों का फेवरेट होता है टारगेट, व्हाइट लड़कियों का, बूजी लड़कियों का ना टारगेट सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। वो देखो सारे तैयार तैयार होके आए होते हैं, वॉलमार्ट पे तो टैकी लोग आए होते हैं, जेन्युइन बात है। मेरा भी रख लो। ओए मामा, अब तुम्हारा नहीं, मैं वो ले सकता गिफ्ट कार्ड, क्योंकि मेरा फोन रिप्लेस। आओ तुम्हारा प्लेस्टेशन पोकेमॉन कार्ड ही बच्चों के हम लेने जा रहे हैं। ये रे बॉयज एंड गर्ल्स, ये पोकेमॉन के कार्ड आ गए इनके। किधर है पोकेमॉन? ये रहे ना बूस्टर, ये तो फेक लग रहे हैं मुझे, एक सेकंड। अच्छा जी, ओ यार ये वाला देखो, इसमें तुम्हें ये तीन मिल रहे हैं, 3 packs for $15, सो $5 each, सो ओके। और देयर इज वन विद चार्जर्ड। Yeah, you want this one? Is that real Charizard? Yes. So how much is this? Boys and girls, ये तो मैं अब भूल ही गया हूँ, ये किस तरह के पोकेमॉन। हम भी बचपन में खेलते थे, हम ड्यूल मास्टर्स से खेलते थे, ड्यूल मास्टर्स का आजकल के बच्चों को नहीं पता। तो ये वाला लेना है या वो वाला लेना है मुझे बता दो, या तुम्हें अलग अलग चाहिए? डू यू वॉन्ट सेपरेट सेपरेट और डू यू वॉन्ट लाइक अ पैक? डिसीजन ले लो अब, ठीक है ये तुम्हारे पे। डिजीमोन के कार्ड्स, बॉयज एंड गर्ल्स देखो मेरे डिजीमोन के कार्ड्स मिल गए। हाँ ये देखो एक ही पड़ा हुआ है, आज तक नहीं मैंने देखे। बॉयज एंड गर्ल्स ये बच्चे के लिए हम ले रहे हैं प्ले स्टेशन का कार्ड, ठीक है 25 वाला या 30 वाला, उसका जो है वो डेक वो 40 का है मेरे ख्याल से, कितने का है सूफी? ये वाला ले रहा हूँ फाइनल, फिर ये हम कर रहे हैं भाई फाइनल। इसमें ये इसके पास Charizard का ये आ गया, 3 rare और उसके अंदर 6 booster packs हैं, ये लो। तो फिजा ने भी meanwhile शॉपिंग कर ली, ठीक है हमने क्या क्या लिया है अभी? ब्लूबेरीज हमने लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, ये ब्रेड लिए हमने, ठीक है साथ अभी ये फिजा ने बेसिकली सैंडविच का माल लिया, लेटेस है वो, चिकन है शेडेड, और ये क्या है फ्राइज है, शिमला की मिर्च, ये चीजें यार ये मुझे नहीं समझ आती। शादी करने का फायदा होता है बॉयज एंड गर्ल्स, यू नेवर हैव टू वरी अबाउट द ग्रोसरीज, क्या क्या नहीं आना, मैं बस पैसे देता हूँ, बाकी सारा काम उसका होता है चूज करना। ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।